हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो फॉर्म निकल के आया हुआ है सफाई कर्मचारी का, तो उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 484 पोस्ट पे फॉर्म निकल के आया हुआ है। सिंपली आपको देख पा रहे हो, आपको फ्री जॉब अलर्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे देखिएगा जो बैंक जॉब्स, यहाँ पे जब आओगे सिंपली आप लोग देखने को मिल जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई का। नीचे जैसे आप लोग नीचे आओगे इस तरह आओगे तो आप लोग फीस देखने को मिल जाएगा। ऑल कैंडिडेट को आप लोग 850 रुपये लगेगा और एससी एसटी को सिर्फ आप लोग को कितना लगेगा, 175 रुपया लगेगा, ठीक है। और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कराना होगा। डेट की बात करें तो 20/12/2023 से स्टार्ट हुआ है, 9/1/2024 तक ये डेट रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो आके चेक कर सकते हो। इसकी बात करें तो 18 से 26 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप लोग 10 पास हो तो आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखो आप लोग यहाँ पे 484 पोस्ट हुई फॉर्म है। ज्यादा डिटेल में समझना तो सिंपली नीचे आओगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के आगे दिखेगा क्लिक है और नोटिफिकेशन के आगे दिखेगा क्लिक है। सिंपली आप नोटिफिकेशन के आगे क्लिक है वाला क्लिक करना है और आप लोग का टोटल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार पाके टोटल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना आप लोग को, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। तो सिंपली मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो बता रहा हूँ। सिंपली आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के आगे दिखेगा क्लिक है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे देखो डेट वेट देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देखेगा ऊपर क्लिक है फोन रजिस्ट्रेशन, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप लोग को यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है, तो फर्स्ट नेम कंफर्म करना, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम देना है और मिडिल नेम कंफर्म कर लेना है। फिर आप लोग को सिंपली लास्ट नेम लिख लेना है और लास्ट नेम कंफर्म कर लेना है। और जो आप लोग नाम लिखोगे आप लोग का टोटल नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका सिंपली आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है, आप मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना, देख पा रहे हो कंफर्म कर लेना। यहाँ पे यदि ये मोबाइल ये जो दो सेंटर मोबाइल लिख लेना है, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दोगे वो मोबाइल नंबर छोड़ के कोई और नंबर होगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो यहाँ दे सकते हो या तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो आप लोग को यहाँ देखो स्टार मार्क ये सब दिख रहा है, ये सब मैंडेटरी है, ये सब भरना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मेरा आईडी आप लोग को लिख लेना है। सिंपली यहाँ पे देखो ईमेल आईडी आप लोगों को लिखना है और ईमेल आईडी जैसे लिखोगे पूरा ईमेल आईडी लिखोगे, यहाँ पे एट द रेट आपको यहाँ पे नहीं देना। तो यहाँ पे एट द रेट दिया हुआ है, यहाँ पे इसका डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है जो भी होगा आप लोग का। इस तरह से जैसे मेरे केस में जीमेल आईडी है, या आप लोग का कुछ और होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो कंफर्म ईमेल आईडी पे है वहाँ पे आप लोग पूरा आपको मेल आईडी एट द जीमेल डॉट भी यहाँ पे ऐड कर देना है। इसका सिंपली ये कैप्चा क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एक बार पूरा डिटेल चेक करके आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग सेव और नेक्स्ट कर दोगे इस तरह से आप लोग देखो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, सिंपली इसको लिख के रख लेना है पहले। इसके बाद सिंपली आपको सेकंड स्टेप में आ जाओगे आप लोग। देखो यहाँ पे आप लोग अच्छे स्टेप में परफॉर्म क्लिक करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या गाइडलाइन रखा गया, यहाँ पे ऊपर दिखेगा गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे एक पीडीएफ सा खुलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो इस तरह से खुलेगा। सिंपली यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिया गया है कि आप लोग का जो फोटोग्राफ है आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड आप लोग रखना है, ठीक है। आप लोग का डायमेंशन की बात करें तो 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए और 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी दिक्कत होता है आप लोग को तो मेरे चैनल में 1 घंटे बाद आप लोग वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से सिग्नेचर की बात करें तो 140 x 60 पिक्सल मांग गया है और 10 से 20 केबी के अंदर मांग गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सिंपली देख पा रहे हो। और भी देखो कोई यदि डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो यहाँ पे देख पा रहे हो और नहीं, ठीक है। फोटो सिग्नेचर यहाँ बताया गया है, आगे यदि कुछ लगेगा देखो डॉक्यूमेंट बताएगा, देख पा रहे हो आप। देखो आप लोग जब नीचे आओगे तो आप लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म में आप लोग का आगे क्या अपलोड होगा, लैपटॉप इंप्रेशन भी अपलोड होगा जो कि इसका इसका भी साइज बताया गया आप लोग का, 240 x 240 होना चाहिए और 20 से 50 के अंदर होना चाहिए। इस तरह से आप लोग डायमेंशन भी बोला गया, मतलब देखो हैंड डिक्लेरेशन एक अपलोड करना होता है लिख के, ठीक है। वो भी आपको करना होगा 800 x 400 में और 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है। और हैंड डिक्लेरेशन में क्या लिखना है आप लोगों को, सिंपली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लोगे आप लोग वहां मिल जाएगा, ठीक है। देखने में तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, हैंड डिक्लेरेशन भी लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्या लिखना है। सिंपली इसके बाद आपको सिंपली फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ दो टिक ऑप्शन दिखेगा, ये टिक ऑप्शन कर लेना है और सिंपली आप लोग नेक्स्ट बटन आप लोग को कर देना है, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी दिक्कत होता है मेरे चैनल में आप लोग वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो। सिंपली हम लोग फोटो सिग्नेचर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आपको सिंपली फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे दो जो टिक दिखेगा टिक कर लेना है और आप लोग जो सिग्नेचर अपलोड करोगे ब्लैक पेन से अपलोड करना है, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सिंपली आप लोगों का फोटो व्हाइट बैकग्राउंड रखना है और सिंपली करके आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। सिंपली आप लोग थर्ड नंबर स्टेप पे आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जोन देखने को मिल जाएगा, आप किस जोन से आते हो, आप लोग किस जोन से अप्लाई करना है सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जिस लोग मतलब जिस जोन से आओगे, ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप लोग, यहाँ पे देखो इस तरह कर लेना है। और लोकल लैंग्वेज भी जी जोन से अप्लाई करोगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों की लोकल लैंग्वेज भी कभी कभी मांगा जाता है कि लोकल लैंग्वेज लगेगा, ठीक है। इसमें भी देख लेना नोटिफिकेशन में लोकल लैंग्वेज मांगा, देखो उत्तर प्रदेश कर दिए हम, ठीक है। तो आप लोग एक चीज हाँ लोकल लैंग्वेज लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। बी एबल टू रीड स्पीक देखो है ना वो लोकल लैंग्वेज, तो आप लोग जिस स्टेट से आप लोग सेलेक्ट करोगे देख लेना कि आप लोग लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं, ठीक है। ये पहले इसलिए मैंने बोला कि जब से फॉर्म फिलअप करोगे आप लोग बोर्ड एक बार जरूर पढ़ ले, इस तरह से जैसे एक लैंग्वेज जाओगे नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखो इसके बाद आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा कि आप लोग जो अप्लाई कर रहे हो आप लोग सेम टू सेम यदि इसी मतलब यहीं से आप लोग आते हो तो यस करना है, यदि नहीं आते हो आप लोग सिंपली नो कर देना, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिंपली देखो आप लोग को देख लेना आपकी यदि इसी स्टेप से आप यस करना नहीं तो आप नो कर देना। इसके बाद एक जो सफाई कर्मचारी का फॉर्म निकल के आया हुआ था तो उस टाइम आप लोग अप्लाई किए होंगे तो यस करना है, सिंपली आपको नो कर देना। सिंपली आपको कैटेगरी के बताना आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी आते हो सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
इसके बाद आपको सिंपली देखो यहाँ पे देखो विकलांगता का बताया जाएगा, तो विकलांगता यस नो आप कर सकते हो, यस करोगे तो अपने मुताबिक ऑप्शन खुलेगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हम लोग बता सकते हो ठीक है, नहीं तो सिंपली नो कर देना, जैसे नो करोगे सारा ऑप्शन आपको अनआइडेंटिफाइड मिलेगा, इसका सिंपली नीचे आ जाओगे, यदि लिखने में कोई दिक्कत है आप लोग को तो यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। फिर और भी ऑप्शन होगा देखो एस सर्विसमैन के बारे में बताएगा, सिंपली आपको नो कर देना है, यहाँ पे देखो आप लोग को और भी देख लेना आपके मुताबिक नो हो जाएगा ठीक है, या सिंपली नीचे आ जाओगे, नीचे आप लोग रिलीजन का ऑप्शन दिएगा, सिंपली आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है किस रिलीजन से आप लोग आते हो ठीक है। इसके बाद देखो डिवोर्स वुमन, इस टाइप से आप लोग कुछ आते हो तो सिंपली यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे माइनिटी कमिटी से आते हो तो यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। इसके बाद सिंपली ये ऑप्शन टिक कर लेना है और आप लोग को कोई एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, और वही आईडी प्रूफ सेलेक्ट करें जो आप लोग मतलब मार्क्सिम में जो आप लोग का आधार कार्ड में मतलब जो आप लोग का मार्क्सिम में डिटेल है सिंपल सिंह आधार कार्ड में होगा तो आप लोग आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसके अलावा यदि आप लोग गलत है आधार कार्ड के साथ तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स दोगे आप लोग तो उसका प्रूफ और आप लोग जो जो नाम भरे होंगे वो प्रूफ मिलना चाहिए ठीक है। सिंपली आपको आधार नंबर यहाँ पे दे देना इस तरह से ठीक है, इधर दे देना, इसके बाद आपको सेंटर बता देना एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हो आप लोग, अपने मर्जी से सिलेक्ट कर लेना है, और देखो आप लोग हिंदी इंग्लिश या कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हो बता सकते हो ठीक है। तो सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ बता देना, आप लोग कितना आपको डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद आपको जेंडर बता देना ठीक है, इसके बाद आपको ट्विन ब्रदर सिस्टर हो आप लोग बता सकते हो ठीक है, इसके बाद मेटल स्टेटस बता देना आप लोग को मैरिड अनमैरिड क्या हो ठीक है। इसके बाद सिंपली आप लोग फादर नेम वाले सेक्शन पे आ जाओगे, सिंपली आपको फादर नेम लिख लेना है, यहाँ पे मदर नेम लिख लेना है ठीक है। इसके बाद सिंपली आप लोग देखो नीचे ऑप्शन दिखेगा एड्रेस का, देखो ये कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, ये आप लोग का करंट एड्रेस है, ये आप लोग का जो है परमानेंट, देखो ये परमानेंट एड्रेस है, यदि आप लोग का अलग अलग दोनों एड्रेस होगा तो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, यदि सेम होगा तो सेम क्लिक कर सकते हो ठीक है। सिंपली देखो परमानेंट क्या होता है, ये देखो परमानेंट जहाँ से आप लोग मतलब रहते हो वो आप लोग का होगा, और बाकी आप रहते हो बिहार से लेकिन आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो मतलब अभी जो पढ़ाई के लिए आप लोग झारखंड में हो तो यहाँ पे झारखंड में देना, यहाँ बिहार में देना ठीक है, और ये सेम होगा तो सिंपली आप लोग इस तरह से आपको एड्रेस भर देना ठीक है। इससे आप लोग भर लेना ठीक है, मैं जितना डिटेल भर रहा हूँ डेमो है आप लोग सही डिटेल भरना ठीक है। और सिंपली यहाँ पे सेम एस पे क्लिक कर देना, सेम एस रहेगा ठीक है। तो सिंपली आपको नीचे चल जाना, नीचे जाओगे यहाँ पे देखो जीएसटी इनवॉइस कहाँ आप लोगों को भेजा जाएगा, करंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस में कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली आपको वैलिडिटी ऑफ डिटेल कर लेना है, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ डिटेल करने का ये फायदा है कि आपको कोई ऑप्शन छूट जाएगा तो आप लोग को बता देगा, सिंपली ये क्लिक करना है, आपको सिंपली सेव एंड कर लेना है। इसके बाद सिंपली आप लोग दूसरा स्टेप में आ जाओगे, देखो जो तीसरा नंबर में आपको दो फॉर्म था मतलब बेसिक का क्वालिफिकेशन था, तो बेसिक हम लोग कंप्लीट कर दिए, आप लोग एक्सपीरियंस पे आ चुके हैं मतलब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज में आ चुके हैं, तो सिंपली आपको टेंथ का डिटेल देना, देखो ये वाला ऊपर वाला टेंथ है इसमें आप लोग को देना नहीं है, आप लोग यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप लोग को सर्टिफिकेट देखने मिलेगा, आप लोग सिंपली देख के आप लोग भर देना है, और मैं जितना भी डाटा क्लिक कर रहा हूँ डेमो डाटा आप लोग सही डाटा क्लिक करना है ठीक है। इसे आप लोग भर देना, आप लोग का पास की थी आप परसेंटेज बता देना, आप लोग का परसेंटेज कितना था, इसके बाद आप लोग सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या थे आप लोग इस तरह से बता सकते हो, जैसे ट्वेल्थ का होगा तो ट्वेल्थ का सेम टू सेम आप लोग देखो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट देना है, आप लोग देखो डिग्री सब्जेक्ट तो सिंपली यहाँ पे यदि ट्वेल्थ की होगा तो आर्ट्स कर देना है, साइंस कर देना या कॉमर्स कर देना, इसका डेट ऑफ पासिंग देना सिंपल सेम या परसेंटेज देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है सिंपल कर देना, सिंपल सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला दे सकते हो, सब्जेक्ट दे सकते हो, या आप हिस्ट्री ऑनर्स की एग्जाम बता रहे हैं इस तरह से ऑनर्स वाला लिख सकते हो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेट पासिंग डेट आप लोग मार्क्स देखने मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या की होंगे बता देना, एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, नहीं होगा सिंपली आपको नो कर देना ठीक है। होगा तो देखो आप लोग कंपनी का नाम किस पद पे थे, कब से कब तक थे, मतलब क्या काम करते थे, क्यों छोड़े, ये सब बता सकते हो यहाँ पे ऐड करके और भी बता सकते हो ठीक है। इसके बाद आप लोग एक लैंग्वेज बता देना है, इस तरह से आप लोग कि आप लोग को पढ़ना लिखना और बोलना आता है ठीक है। सिंपली आपको टोटल डिटेल चेक कर लेना है, आपको वैलिडिटी डिटेल में एक बार करना, फिर से इसका सिंपली सेव एंड कर लेना है। और एक चीज का ध्यान रखें, ऊपर आपको और एक ऑप्शन दिखेगा कि आप लोग जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी को, ये आप लेना चाहते हो तो यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है ठीक है। कि आप लोग सिंपली वैलिडिटी और डिटेल करना और यस करना ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप लोग सेव एंड यस करोगे आप लोग को प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद सिंपली देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर लेना है ठीक है, और ये दो ऑप्शन पे टिक करना ठीक है। यदि आप लोगों का डॉक्यूमेंट सही है, यदि आप लोगों का कुछ गलत है आप लोगों डॉक्यूमेंट्स में जो आप लोग यहाँ नाम भरे होंगे इससे कोई मिस मैच होता है तो आप लोगों को तीसरा नंबर टिक करना, नहीं तो आपको सिंपली दो टिक करना है, तो सिंपली ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला कैप्चा क्लिक कर लेना ठीक है। इसके बाद सिंपली आप लोग पांचवा नंबर स्टेप पे आ जाओगे, जो आप लोग लेफ्ट इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जो कि मैंने साइट पहले बता दिया आप लोग सिंपली से बता देते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे गाइडलाइंस को फोटो आप लोग देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखने को मिलेगा आप लोग को कि आप लोग देखो लेफ्ट इंप्रेशन आप लोग का 240 में 240 होना चाहिए और 20 से 50 के अंदर होना चाहिए, इस तरह से आप लोग का हैंड डिक्लेरेशन 800 बाय 400 होना चाहिए और 50 से 100 के अंदर होना चाहिए ठीक है। तो सिंपली आपको चूज फाइल करके आप लोग दोनों चीज अपलोड करना है, इसका ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली सेव एंड कर लेना है। और हम लोग फोटो सिग्नेचर सब चीज अपलोड कर चुके हैं, मतलब लेफ्ट इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन दोनों चीज अपलोड कर सकते हैं, या प्रीव्यू देख के भी देख सकते हो आप ठीक है। देखो यहाँ प्रीव्यू कर लोगे एक बार देख लेना आप लोग एकदम सही से दिखेगा, इस तरह से देखो क्लीन होना चाहिए ठीक है, इस तरह से आप हैंड डिक्लेरेशन और हैंड डिक्लेरेशन को मैंने एग्जांपल के तौर पर ये किए ठीक है, आप लोग सही से मतलब कर लेना ठीक है। पर एक बार सिंपली ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली सेव कर लेना ठीक है, इस तरह इंटरफेस दिखेगा सिंपली ओके कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको जितना फीस लगेगा यहाँ देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा क्लिक कर लेना है,
और सिंपली ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, सिंपली सबमिट कर लेना ठीक है। इस तरह से डू यू वांट टू सबमिट, इस तरह से कर लेना ओके। जब आप लोग सिंपली पेमेंट लगेगा तो पेमेंट गेटवे में आप लोग चल जाओगे, इस माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट कर लेना है। इसके बाद आप लोग जाके कोई डाउट ले सकते हो ठीक है। बाय चांस अगर कोई भी कारण से आपको लॉग आउट हो जाता है तो सिंपली आपको मैंने जहाँ से बोला आप लोग को ठीक है, फ्री जॉब अलर्ट पे आ जाना ठीक है। फ्री जॉब अलर्ट पे आ जाना आप लोग को, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद बैंक जॉब में आना है आप लोग को, यहीं पे आप लोग देखने को मिल जाएगा। देखो सीबीआई सफाई कर्मचारी, इसके अलावा देखो यहाँ पे नीचे भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको जहाँ हो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके सिंपली नीचे आके सिंपली अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आपको फिर से क्लिक करना ठीक है, यहाँ पे फिर से क्लिक करना आप लोगों को ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको सिंपली ये पासपोर्ट क्लिक करके जो आप लोगों को मिला है मेल आईडी में मिल गया होगा, मोबाइल में मिल गया होगा ठीक है। ये क्लिक करके सिंपली लॉगिन करो, बाई चांस कहीं छूट जाता तो वहाँ से लॉगिन करके भी कर सकते हो, और बाद में प्रिंट लेना चाहते हो तो वो भी प्रिंट ले सकते हो ठीक है। तो उम्मीद करते समय में आ गया होगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।